सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। धूम और एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। खबरों की माने तो आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फर्स्ट लुक रिलीज के साथ ही यशराज फिल्म्स धूम और की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। वही अगर धूम फोर की बात की जाए तो सूत्रों के अनुसार फिल्म में मुख्य किरदार के लिए पहले सलमान खान को फाइनल किया जा रहा था, लेकिन सलमान खान की रेस्त्री की बॉलीवुड में पिटने से इस फिल्म में सलमान खान का नाम हटाकर अब शाहरुख खान को फाइनल कर लिया गया है। दरअसल धूम सीरीज के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि सलमान खान की जगह अब शाहरुख खान ही इस फिल्म के लिए बेस्ट रहेंगे। रेस्त्री के गिर जाने से सलमान की फैन फॉलोइंग में भी गिरावट आ गई है और उन्हें इस फिल्म में लेने से हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह जबरदस्त एक्शन फिल्म होगी जहां शाहरुख कई खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। शाहरुख से पहले फिल्म में सलमान खान, रणवीर सिंह का नाम भी जोड़ा गया था, लेकिन निर्माता की खोज शाहरुख खान पर आकर रुकी गई। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।